बाहर जा तू, मत बोल तू, जा मैं क्यों मार बाहर निकल, हमारे अंदर से बाहर निकल। पहले रिश्ता हमारा जोड़ो, है दादी और मेरा रिश्ता जोड़ो। मेरे से रिश्ता किसने तोड़ा था बता? मैंने तोड़ा, तू नहीं तो तोड़ा था, अब क्यों कह रही जोड़ने के लिए? आ दादी को सांप ने खा दिया था। मैंने उसकी मुंडी में केस दिया बाबू। कितना बड़ा था? अरे बहुत बड़ा था। कहाँ पे था? बड़ा बड़ा काला सफेद गुच्छे वाला, बहुत बड़ा था। तूने दाब दिया था सर? हाँ सर दाबा, तुम तो पूछ पूछ से हिलाओ, गोल कर दिया। मिल्ली भी ला दे, आ जा तो ला दे। अभी तो तू मिल्ली सुलह करने के लिए आ रही थी, अब तू खोल लेगी टीवी हमारे अंदर से, ध्यान रखना फिर, थोड़ा ला दे जा। सुलह करने के लिए की चाचा मुझसे बोल लो, बोल लो। हेलो, उठो उठो उठो, दूध पीने का समय हो गया, उठो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास मन स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8 और घर के सारे काम हो चुके हैं फिलहाल, और हम कल सरस्वती को दे आए हैं ताई के वहाँ, क्योंकि ताई आई थी उसे लेने के लिए। ईजा ने ताई से कहा था कि तू उसे ले जाना, तो कल दे आए हैं। तो अब उसके बिना पूरा घोट और पूरे जानवर ऐसे हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, और बिल्कुल बहुत ही सूना सूना सा फील हो रहा है। और सुबह सुबह मंकीज इज़ कमिंग, ये देखो ये, इनका सुबह सुबह पंगा शुरू हो जाता है, इनका कुछ काम नहीं है इनके पास, देख रहे हो इनको ये। ओहो हो, जैसे हमारे पास कुछ काम नहीं है, इनके पास भी कोई काम नहीं है। गंगा बिचारी सरस्वती की माँ बहुत ही उदास हो गई है, कल से कुछ भी नहीं बोल रही है, देख रही है कहाँ करके। गौरी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो पेलने में लगे पड़े खाने में। अब सरस्वती की जगह पर हमने बात दिया है जमुना को, हाँ वही नाम है ना उसका, पता नहीं क्या नाम है। चलो दोस्तों, ताई ने कहा था अब देना तो ताई ले गई, ताई ताई के हाथ में कहीं ऐसी जगह नहीं गई है जहाँ उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा, सही जगह पे गई है। ऐसा है ना, कम बोला कर, कम आप बोला करो, कम ज्यादा छोटी है, बन रहा हूँ। मैं हीरो बन रहा हूँ तो तू हीरोइन क्यों बन रही है फिर, बताऊँ तुझे? मैं डरती नहीं मैं आपसे, तो मैं डरता हूँ जैसे, आप कौन हो तो? तू कौन होती है मेरे बारे में बोल लाली? आपका नाम तो मेरे बारे में बना ले। मैं तेरा चाचा होता हूँ, तू कौन होती है? है अगर मैं आप आज लकड़ी से आपके पैर में एक चक्कर मारे ना, कस के खून बहने लगेगा पैर, और मैंने तेरे एक थप्पड़ मारा ना तो तेरी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। हाँ मारू तेरे थप्पड़? एक मारा ना कान के नीचे रपट नानी, मेरी शराफत का फायदा मत उठा, तेरे को नानी, तेरे को सब याद आ जाएगा, नानी मामा सब बता रहा हूँ। आप कह रहेगा नाना नानी मामा मामी मासी मामा, तू मुझे याद दिला देगी एक में, याद आ जाएगा एक में, याद दिला देगी इतना। हाँ बाहर जा तू, मुझसे मत बोल तू, जा मैं क्यों मार, बाहर निकल हमारे अंदर से बाहर निकल। पहले रिश्ता हमारा जोड़ो, है दादी और मेरा रिश्ता जोड़ो। मेरे से रिश्ता किसने तोड़ा था बता? मैंने तोड़ा, तू नहीं तो तोड़ा था, अब क्यों कह रही जोड़ने के लिए? अब आप नहीं तोड़ा है, दादी ने कहा जोड़ ले रिश्ता, फिर मम्मी के भैया देखने चलेगा। अच्छा रिश्ता तोड़ के कैसे जोड़ लेगी तू, एकदम ही बता जरा कैसे जोड़ लेगी, कल कैसे तोड़ा तूने रात में मेरे से? हैं तो आपने तो सुबह सुबह जोड़ लिया था, फिर बेड में बता मेरे मेरे ना 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 मेरे बेड में ना, तूने मुझे सुबह मारा भी है और फिर तू रिश्ता जोड़ने के लिए आ रही है मुझसे, क्योंकि आप कुछ को पता है कि आप ऐसा ही करने पे सब बदल तक। मैं तेरे से रिश्ता नहीं जोड़ूंगा, तू जा यहाँ से। कपड़ों के संग इतने तो गंदगी है ना, ये किसी और की नहीं है हाँ। बल्कि आपकी गंदगी है। हाँ तू जा, तू जा, मैं ताड़े को बोलो ये, मैं कभी ओह अब अंधेरा होगा तो ताड़े का आएगी, जा रही हूँ जा मत है। तू ये बता, तू पहले तूने मुझसे रिश्ता कैसे तोड़ा पहले ये बता ना, क्यों नहीं बता रही है? हैं बता, बोल बोल, क्यों नहीं रही है, बोलती क्यों नहीं है? हैं जब काम पड़ेगा तो रिश्ता जोड़ लेती हूँ चाचा से, जब नहीं है तो तोड़ दो, खाने के लिए मत दो चाचा को। हैं बता, तूने एक बार कहा चाचा खाओगे, कहा तूने है, तो मैं कैसे, तो मैं कैसे जोड़ लूँ फिर बता? मेरी चीज है, मैं तो तो मैं नौकर लगी हूँ क्या, तो मैं लगाऊँ फिर? हैं तू उल्टी बातें क्यों करती है मुझसे ये बता, मैंने आपका ठेका ले रखा है, तो मैंने लिया है क्या? आई बड़ी रिश्ता जोड़ने वाली, जैसे जैसे तोड़ा तूने, आपको कुत्सु के बर्थडे में बड़ा मजा आया यार, हैप्पी बर्थडे।
तो जाऊंगा ही फिर, और जो मुझे बुलाएगा तो नहीं जाऊंगा फिर। कितना कहना मानता है कुसू मेरा? मैं तो बुलाऊंगी ही नहीं। तू मानती मेरा कहना? तो फिर मैं बर्थडे में बुलाऊंगी भी नहीं, हमारे कमरे में आना मत बुला तू। तेरे एक बर्थडे से क्या होता है। साथियों सुबह के बज चुके हैं 10 और सूर्यदेव आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी छाया तो कभी धूप है, तो कुछ ऐसा ही मौसम आज का बना पड़ा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी जरा किसी काम से, चलता हूँ उस काम को फटाफट ख़त्म करके आते हैं, फिर जानवर को भी अंदर बांधना है, नहलाना भी है, क्योंकि धूप भी आ रही है छाया भी आ रही है, तो अभी जानवर थोड़ी देर तक का बाहर रह लेंगे, है नी। थोड़ा वेल्डिंग का काम था दोस्तों, वेल्डिंग करा के मैं आ चुका हूँ, और अब चलते हैं घर। अब घर का काम करेंगे क्योंकि अब जानवरों को कुट्टी डालनी है, पहले बाद में अंदर नहलाना है, पानी पिलाना, बहुत काम है। अब चलिए लेट्स गो। साथियों नहलाने का काम शुरू। गंगा हिलना मत ज़्यादा। साथियों जहाँ पर आज हमारी जमुना बदी पड़ी है, यहाँ पे कभी सरस्वती बदा करती थी, लेकिन अब वो पहुँच चुकी है अपने दूसरे घर में, जहाँ उसे बढ़िया प्यार मिल रहा है। बात होते रहती है ताई से, तो ताई बताती है उसे नहीं आ रही याद इनकी, लेकिन इसकी माँ देखो अभी उदास है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, याद तो आती है, अब कोई बात नहीं। अब जानवर ज़्यादा हो रहे थे तो कम कर दिए थोड़े। साथियों जानवर अंदर बांध दिए, घर के सारे काम हो चुके हैं, अब है घास लाने की बारी, चलिए घास लाते हैं। और यहाँ पे एक गैया बड़ी प्यार से चोरी है, ओ गैया सब अपने काम में व्यस्त हैं, जानवर हो चाहे इंसान हो। दो दिन बारिश के बाद आज फाइनली घाम आ चुका है, मौसम खुल चुका है। सुबह तक का तो बादल ही थे, लेकिन सुबह आज ठंडा भी हो रहा था। हाँ ठंडा होना शुरू हो चुका है, महसूस होना शुरू हो चुका है। अब ये मतलब जो 11-12 बजे का घाम है, इसमें भी उतनी तपिश नहीं है, मतलब है लेकिन उतनी नहीं है जो आपको पहले महसूस हो रही होगी। यहाँ को नहीं गए, पार गए होंगे। अर्जुन से पता कराया तो अर्जुन करा, यहाँ को तो नहीं गया, उसने अपनी इच्छा से पता करा, क्योंकि अर्जुन की जाने देखे होते, अगर यहाँ को गए होते तो चलते हैं पार ही मिलेंगे, पार ही गए होंगे। पता करने का ये फ़ायदा, वरना है पूरे खेत में घूमना पड़ता मुझे, कम से कम आधे किलोमीटर का फेरा पड़ता मुझे पैदल पैदल का। नाले में भी पानी काफ़ी ज़्यादा है, पिछले 2-2.5 दिन जो बारिश हुई है लगातार, उस कारण से जलस्तर बढ़ा है। इसमें बाढ़ भी आई होगी, बाढ़ देखने के लिए मैं आ नहीं पाया था। ये साइकिल जाम हो जा रही है, इसमें तो काफ़ी तेज़ बहाव है भाई, देख लो आप। ये देखो यहाँ तक का कीचड़ है, मतलब बाढ़ का पानी था ही, मैं आने की सोच रहा था, आ ही नहीं पाया। घर में काम इतने हो गए, बारिश ने ये मौका नहीं दिया, शाम को कुट्टी काटने का मौका मिला तो मैं कुट्टी काट दी, उससे मन हो रहा था जाऊँ ज़रा देखता हूँ बाढ़ कितनी आई है, आ ही नहीं पाया। खेत में पहुँच चुका हूँ दोस्तों, और यहाँ तो एक पेड़ भी नहीं है जहाँ छाया में बैठा जा सके, सामने ये लोग घास काट रहे हैं, लेकिन इस साइड से व्यू तो आप एक नंबर का देख सकते हो। ये देखो चारों ओर गांव में कैसी हरियाली फैली पड़ी है इस समय पे, बारिश के बाद तो देखने लायक होता है गांव का नज़ारा। चलिए दोस्तों गट्ठा ले आते हैं घास का। अरे भाभी क्या कर रही है ताली बजा के, भाभी ने सामने काट रखा घास, ये जा लोग वहाँ काट रहे हैं वो कोने में। न्यू आ गया है इनका। अरे बादलो यार तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही, तुम तो यहाँ को आओ। तो मैं जा रही हूँ। अरे भाभी गई, चलो यार बादलो। इतने अच्छे टाइम में आते हो ना तुम लोग। हाँ भाभी के घास में ही है सांप। बादले यार बादले। कितना बड़ा था? अरे बहुत ही बड़ा था। कहाँ पे था? बड़ा बोले काला सफेद गुच्छे वाला, बहुत ही बड़ा था। तूने दाब दिया तो सर? हाँ सर दाबा, तुमने पूछ से हिला गोल कर दिया, पूछ से गोल, अब उसका सर दबाया तो वो तो घूमेगा ही गोल करके। हाँ इसे जी पलटी, इसे इसे खा मेरे को, रे क्या आप लगा दी दौड़ यहाँ से, युवा भाई फांसी दीजिए। आज संख्या कम लग रही, क्या बात? आज संख्या संख्या नहीं आई हमारी को मारने दिए, कम तो था ना वो नहरा वो एक।
साथियों फाइनली घास लेके आ चुका हूँ घर। ये कैसा सोया अपनी माँ के साथ, ये दोनों सेम ही हो रहे हैं। गया को डाल दे यार, मैं ले आता हूँ पानी तेरे लिए। कैसे ला रही थी, देख देख भीग गई, नहा लिया जब मिले भी ला दे थोड़ा। मिले भी ला दे, मिले भी ला दे, आ जा तो ला दे। अभी तो तू मिले सुलह करने के लिए आ रही थी, अब तू खोल लेगी टीवी हमारे अंदर से, ध्यान रखना फिर थोड़ा ला दे जा। सुलह करने के लिए चाचा मुझसे बोल लो, बोल लो नहीं लाएगी ये। मेरे लिए लाना है, यार प्यार तो करती है सिया मेरे से यार, तो ही तो मेरे लिए पानी ला रही है ना, करती है ना प्यार, है कितना करती है, है? पांच प्यार करती है। आ दादी को सांप ने खा दिया था, मेरे दोस्त मेरे साथ आए थे घास को, उनसे पूछना दादी सांप की फोटो खींची, फोटो मेरे की हालत खराब हुई थी सांप की स्थिति में। तू सुबह दादी से क्या बोल ली थी, वो वाला वो कौन सा था, एबीसीडी वाला ओसाना वाला काटे का बोलते बू बाप पे घर कर दो बहुत और आराम से बोलना, समझ में नहीं आ रहा है। बुआ मम्मी से लड़ी अंगा तक मुझे नहीं, पापा की मुझ नहीं सुनाई में नहीं आया, अच्छे से बोलो आराम से। कुछ नहीं चाचा की मूछ नहीं। खजानी होगी, अब खजानी खजानी होगी, अब तुम मेरे कभी चाय भी बनाई थी ना, बनाई थी नहीं दादी को चाय बना के देनी है। दादी दादी वहाँ से आ रही कल ना, ओ दादी बहुत अच्छा भजन याद हुआ है। अच्छा कौन सा? अरे तू आखिर तो बंद कर, आखिर कर दिया तुमने। आगे बंद करके तू नाजरी में कैसे देखूंगी? कभी राम बन के चले आता। पड़े रहने दे यार, भारी है अभी, फिर उठेगी फिर बैठेगी, भारी थोड़ी देर बाद देना आधे घंटे बाद। ओए तेरे से खुली में खड़े होने के लिए कौन कहता रे, खुली में गोबर रही है तेरी, मारू मुंह पे कान पे, हैं खुली में बैठ रही है। अब देख अब झाड़ा लगाएगी जो दूध लगाएगा, आ ये देख खुली में कौन उतरी है, पागल हो गई है पागल, है खाने वाली जगह में थोड़ी अकल है तुझे, हैं? हेलो उठो उठो उठो, दूध पीने का समय हो गया, उठो 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 उठो। साथियों शाम के बज चुके 5:30 और आज अपने फील्ड में आ चुके हैं, क्योंकि झारखंड का फील्ड गीला हो रहा है तो इसमें खेलेंगे। कल से कल ही तो नहीं बाकी दिन तो आए हम, तू झाड़ू लगाओ इसमें फटाफट फटाफट लगाओ फटाफट लगाओ, अकेले अकेले के बाद में फटाफट लगाओ। चलो ना जल्दी करो, साफ हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं है, कूड़ा ही तो है। चलो ना सबसे क्या अंधेरा हो जाएगा, खेलना ला रहे फटाफट करो।